बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? आज हम गर्मियों के हिसाब से आपके लिए बनाने जा रहे हैं कैरी का शरबत। इसके लिए यहाँ पर मैंने इस साइज़ की 5 कैरियाँ ली थी सर देखकर, और इनकी गुठली निकाल कर इनको इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए, 2 से 2.5 कप आप चीनी यूज़ कर सकते हैं और 1 कप पानी। अब है हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें ये कैरियाँ डाल देंगे, 1 कप पानी ऐड कर देंगे और चीनी ऐड कर देंगे। अब हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और जो कैरी है वो अच्छे से गल जाए। कैरी अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, बस अब हम इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे कैरी के गलने तक। 8 से 10 मिनट हो गए, कैरी बहुत अच्छे से गल गई है, ये देखें। बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड में। ये देखें कैरियाँ बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और सिरप के साथ ही इसको जार में डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कैरी को सिरप के साथ जार में डाल लिया, अब इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखें ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उस पर स्ट्रेनर रखेंगे और इसको छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे आसानी से छन जाए, ताकि जो इसमें छोटा मोटा रह गया हो कैरी का टुकड़ा वो छन जाए और फिर मुंह में नहीं आए शरबत बनाते वक्त। ये देखिए हमने इसको छान लिया है, ये हमारे पास रेडी हो गया। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। अब हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे पीसी हुई 1/2 टीस्पून के करीब, नमक डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, काला नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें, ज़्यादा आपको पसंद हो तो 2 टीस्पून भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कैरी का मिक्सचर जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम सर्विंग गिलास लेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कितना जाएगा। दोनों गिलासों को रेडी करेंगे। अब इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। दूसरे वाले को भी मिक्स करेंगे। गर्मियों पे आप बना के पिए, ये बहुत मज़े का लगेगा ये आपको, ठंडा ठंडा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें हम आइस क्यूब ऐड कर देंगे। ये देखें मज़ेदार सा कैरी का शरबत रेडी हो गया। इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही मज़े का बना ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।